Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for NMAT 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about the VARC cutoff. So guys, काफी लोगों को इश्यू आ रहा है कि वर्बल एबिलिटी सेक्शन का कट ऑफ कैसे निकले NMAT में. तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है VA सेक्शन और किस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपका स्कोर कम हो जाएगा. ठीक है, तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइज देख लेते हैं. सो बेसिकली स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि अराउंड 3 RC आ रहे हैं, मतलब 12 रीडिंग कॉम्बिनेशन मान के देखो आप कि 12 RC आ रहे हैं. ठीक है, देन वी हैव 4 पैराजंबल्स, ये अप्रोक्सीमेशन है, ऊपर नीचे होता रहेगा, किसी के 3 किसी के 5 ऐसा हो जाएगा. 5 एनालॉजीज आएंगी, वोकैब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं डायरेक्ट. देन वी हैव 5 एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस, देन 5 फिलर्स, इसी को सेंटेंस कंप्लीशन बोल देते हैं, मतलब जो फ्रेंड ब्लैंक्स होता है वर्ड बेस्ड वही है. 5 प्रपोजिशंस या ग्रामर बोल लो, मतलब ग्रामर फिलर्स. ठीक है, ये चीज है मेनली गाइस. अब देखो गाइस, आपको करना क्या है कि हमने ये एनालाइज किया है कि एनमेट इस बार क्या कर रहा है, जो सेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसका वेटेज ज्यादा कर रहा है वो, जैसे DI हो गया क्वांट्स में, LR में पजल हो गया और VARC में RC हो गया. तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पहले एनमेट में करते थे एडेप्टिव के पहले, जो लोग तीसरी बार दे रहे हैं उनको पता होगा, आप सब कुछ गैस मार के आते थे, वो आप नहीं कर पाओगे. आप गैस मतलब आप रैंडम मार्क करने में आपको रिस्की होगा काफी. तो गैस पहली चीज क्या है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पूरा पूरा RC छोड़ना रिस्की हो जाएगा आपके लिए. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, बिकॉज आप जब पूरा RC छोड़ते हो तो उसमें आप रैंडमली मार्क करते हो, और ज्यादा रैंडम मार्क करने में, गलत ज्यादा मार्क करने में आपको पेनाल्टी लग सकती है. ज्यादा गलत मार्क करने मतलब आपको कंप्यूटर सोचेगा, समझेगा कि आपको आता नहीं है, आपको कुछ नहीं आता तो आपको इजी क्वेश्चन देगा नेक्स्ट. इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कंटिन्यूसली गैस नहीं मारना है. ठीक है, कंटिन्यूसली मतलब हर RC में 2 क्वेश्चन करो. तो बेसिकली गैस RC यहाँ पे टफ नहीं आ रहा है, मेरी बात हुई है काफी लोगों से, तो RC कैट से काफी कम लेवल है लैंग्वेज में बात करें तो. बट RC में ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे. एक बंदे से बात हो रही थी, बता रहा था आज के उसके जो RC आए थे उसमें सेंट्रल आइडिया सबका पूछा गया था. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया तभी बता पाओगे जब आपने RC पढ़ा होगा. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप RC देखते ही साथ रीडिंग कर लो. ठीक है, ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं होगा, कुछ आपको समरी मिल जाएगी, जिस मिल जाएगा कुछ कि क्या RC बोल रहा है. ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ लो RC को, उसके बाद फिर आप करो. और चीज क्या गया था, ये मैं सोचो कि आपका RC में टाइम लगेगा तो बाकी नहीं कर पाओगे, बाकी भी आप कर लोगे क्योंकि बाकी में टाइम कम लगता है. ठीक है, बाकी आपके सेकंड्स में होते हैं. ठीक है, जो बंदे से बात हुई वो बोला था उसका 2 मिनट पहले इंग्लिश खत्म हो गया था, हो सकता है उसकी इंग्लिश अच्छी हो, काफी सबकी नहीं होती है, बट RC वो करना पड़ेगा इन शॉर्ट. ठीक है, क्योंकि एनालॉजी टफ आ सकती है, एनालॉजी में आप नहीं कर सकते हो तो RC में आप स्कोर कर सकते हो. उस बंदे ने यही किया, उस बंदे ने तीनों RC ढंग से किए पढ़ के और अपनी तरफ से बेस्ट आंसर दिया, बाकी तो सही कितने वो डिपेंड करता है. उसका नंबर अच्छा था वैसे, 80+ था. ठीक है, तो RC का वो करना पड़ेगा अच्छे से. अच्छी बात क्या कि RC का लैंग्वेज ईजी है. ठीक है, और गाइस दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे VA और LR, VALR में आप कम अटेंड करोगे ना तब भी आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज पर क्वेश्चन मार्क ज्यादा है, इनकी फंक्शनलिटी अलग टाइप की होती है. बट क्वांट्स में उल्टा हो रहा है, क्वांट्स में आप कम ज्यादा करोगे तभी आपको नंबर कम मिलते हैं. क्वांट्स में उन्होंने कुछ मार्किंग अलग अलग कर रखी है VARC में, जैसे काफी लोग से सुना हमने कि VARC में कम अटेंड करके आते हैं, उनको लगता है ज्यादा अच्छा नहीं किया है, बट दे स्कोर 87-92 ऐसे नंबर. ठीक है, तो आप करते रहो अच्छे से, हर चीज करके जाओ. तो RC के लिए क्या करना है आपको, RC कुछ प्रैक्टिस कर लो गाइस. सबसे अच्छा सोर्स RC का क्या, अपने मॉक्स, आप जो मॉक्स हैं वो प्रैक्टिस कर लो, उसी को 2 हो जाएगा आपका अच्छा. ठीक है, बाकी तो इट इज मोर अबाउट रीडिंग हैबिट. उसके बाद गाइस पैरा जंबल्स, ये 4 पैरा जंबल्स होते हैं ना, ये पैरा जंबल्स सारे ऑप्शन बेस्ड होते हैं, मतलब आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो मेरी आराम से, और मेरे टाइम पे भी इजी आते थे, मतलब लेंदी होते थे बट आप कैट से तो ईजी होते, कैट में तो ऑप्शन ही नहीं आता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है. तो आप कम से कम 50 पैरा जंबल प्रैक्टिस करके जाओ. आपको अगर कोई अगर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा तो टाइम का मटेरियल देख लो, टाइम का मटेरियल कहीं से अरेंज कर लो, वहाँ पे होंगे पैरा जंबल्स, तो वहां से 50 पैरा जंबल करके जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको हो जाएंगे, ये आप गलत नहीं कर सकते. ठीक है, देन वी हैव 5 एनालॉजी. एनालॉजी और वोकैबुलरी सब कुछ डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है. आप कर सकते हो, आप वर्ल्ड पावर मेड इजी की जो रेड कलर की बुक है उसके पीछे के वर्ड्स पढ़ सकते हो, बट वोकैबुलरी कोई लिमिट नहीं है गाइस, वोकैबुलरी जितना करो उतना कम है. हमने भी 400 वर्ड की PDF डाली थी, फ्लोर की थी ग्रुप वगैरह में, वो आप पढ़ लो, बट एट द एंड कुछ भी आ सकता है एनालॉजी में. तो गाइस एनालॉजी में आप नहीं बोल सकते आपको आता है. ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप RC में स्कोर करो अपना. ठीक है, RC आपके सही हो सकते हैं, पढ़ लिया आपने तो, और बच्चे यही कर रहे हैं आप. एनर्जी में बहुत ज्यादा आपकी वगैरह बहुत अच्छी तो आप कर सकते हो. VARC का ऐसा सेक्शन है ना कि आपको अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप कम टाइम में बहुत नंबर ले आ सकते हो.
जिसकी अच्छी नहीं उसको परेशान रहता है वो। जिस तरह से आजकल क्वांट से परेशान हो रहे हैं लोग, उसी तरह से लोग पहले वीआरसी से परेशान होते थे, क्योंकि वीआरसी में निकलते नहीं थे लो कट ऑफ, क्वांट से आपका निकल जाता था। बिकॉज क्वांट से कट ऑफ होता था 65 out of 144, बट वीए कट ऑफ होता था 60 out of 96, ऐसा कट ऑफ होता था, समझ रहे हो। पहले एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस के लिए गाइस आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़े बहुत सब्जेक्ट वेयर एग्रीमेंट की, पैरेललिज्म की, और आपका थोड़ा सा आपने ज्यादा अगर एविड रीडर हो तो आप सेंटेंस पढ़ के समझ जाओ कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, तो कर लोगे। तो मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी तो नहीं आती, बट आ जाती है, बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन जो है यही आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मीनिंग बेस्ड। काफी लोग सेंटेंस कंप्लीशन को पैरा कंप्लीशन समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेंटेंस कंप्लीशन में आपको एक वर्ड फिल करना होता है, वो ऑप्शन में दिए रहते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन हमने सुना ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, फैमिलियर वर्ड्स आ रहे हैं, आप यूज से समझ जाओगे, एलिमिनेशन कर लोगे। बट अगेन यहाँ पे वोकैबुलरी का यूज है, तो वोकैबुलरी का यूज आप देख लो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी के हैं, ठीक है, मान सकते हो ऐसा। देन प्रपोजिशंस एंड ग्रामर से थोड़ा बहुत रूल्स आपको आते हैं, तो आप कर लोगे, तो आप करके जाओ। तो गैस एक तरह से देखा जाए तो बहुत ईजी है वीआरसी, और एक तरह से बहुत टफ है, गलत होने को आपके बहुत गलत हो सकते हैं। बट हमने बहुत ही अभी तक कोई नहीं देखा जिसका 76 से कम हो, हमने वीआरसी में कोई देखा ही नहीं अभी तक जिसका 76 से कम हो, क्योंकि नंबर मिलना है काफी। लोग 18 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उनके 87 मार्क्स आ रहे हैं, सही करके आ रहे हैं। ये मैं ऑफिशियल मॉक का बता रहा हूँ, एक्चुअल मॉक नहीं बताया मैंने, ये अलग, ये जो पार्ट बताया 87, ये ऑफिशियल मॉक का बताया, और फंक्शनैलिटी दोनों की सेम ही जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो वैसे वीआरसी में लोग नंबर आ रहे हैं, लोगों का 105 नंबर भी आया है, 97, 87 नंबर भी आया, ऐसे नंबर आए लोगों के, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली, तो ये चीज़ मेक श्योर करनी है आपको कि आरसी करके जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, आरसी यहाँ पे अटेम्प्ट करो, आरसी को स्किप मत करना, और धोखे से भी एक पूरा आरसी स्किप कर मत देना। अगर आपने एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन मार दिए गलत, तो आपका बहुत बड़ा पेनाल्टी लग जाएगी, ये आपका डीआई में भी हो रहा है, यही आपका बजल्स में, इनपुट आउटपुट सब में हो रहा है, तो बहुत ध्यान रखना। अगर आपको कोई आरसी नहीं आता, तो कम से कम जिस पढ़ के 2 क्वेश्चन देखने की कोशिश करो उससे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो गैस ये हमारा एनालिसिस था, आराम से आप ला सकते हो नंबर 76 के ऊपर आराम से, और 76 से अगर मत करो गाइस, यहाँ पे नंबर ज्यादा आ रहे हैं लोगों के, आप टारगेट करो 90+ का यहाँ पे, क्योंकि लोगों का 90-92 भी आया है, बट क्वांट्स में नहीं आ रहा जनरली, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अच्छे से करो, बाकी प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। तो पैरा जम्बल्स, वो कैब, एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस करो, प्रेपोजिशंस वगैरह क्या रूल्स है, हो जाएगा, ठीक है। गाइस दोस्तों लुकिंग फॉर मॉक्स, यू कैन चेक आउट द स्नैप एंड एनमैट मॉक्स, 12 एनमैट, 15 स्नैप मॉक्स की कॉस्ट है 1299, ठीक है, 12 एनमैट मॉक्स की कॉस्ट है 1299, दोनों कॉस्ट हम लोग की बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा रेटेड मॉक्स हैं, और अच्छे से एनालाइज करो कि निकल जाएगा, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। आज एक रिव्यू आया है, देख सकते हो एनमैट का रिव्यू है, ही गॉट 238 मार्क्स, ठीक है, कोई सब हेल्प हुई काफी इन लोगों की, ठीक है। तो गाइस हम लोग के मॉक शुरू से ही रेलिवेंट रहे, ठीक है, काफी लोग अच्छे लगे, चाहे एनमैट हो चाहे स्नैप हो, ठीक है। ये जो मॉक्स हैं आपको, अगर दोनों मॉक्स चाहिए मान लो स्नैप एनमैट, तो आपके लिए बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगा, इनको ऐड अगर करोगे तो 2600 आएगा, बट 2000 में यू आर गेटिंग 12 एनमैट प्लस 15 स्नैप मॉक्स, आप NAV300 कोड अप्लाई कर देना, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप mockzone.in/snap या mockzone.in/nmat में जाओ, ठीक है, आपको दिख जाएगा वहां पे कॉम्बो, और कॉम्बो में जाके आप कोड डालना NAV300, जैसे ही आप पे करोगे आपके अकाउंट में सारे के सारे मॉक्स आ जाएंगे तुरंत ही, ठीक है। मतलब आपको लिंक दे में पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा ताकि आपका अकाउंट बन जाए, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो यू कैन पिंग मी, मैं नंबर बता दूंगा अपना, ठीक है। वैसे ये रिव्यूज वगैरह देख सकते हो, रिव्यूज तो करो गाइस, मॉक्स दो अच्छे से, और मॉक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप पढ़ के जाओ अच्छे से, काफी लोग गलती ये करते हैं पढ़ते नहीं है। तो अभी भी कोई स्नैप एंड मैट का कोर्स देख रहा है, देन दे कैन चेक आउट, पूरा लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज एंड मैट स्नैप की, फुल लेंथ मॉक्स, फुल टॉपिक टेस्ट होगा 550 करीब, पूरा GDPI प्रिपरेशन, और एक एक चीज बहुत डिटेल में लाइव कराई गई है, उससे बाहर से नहीं आ सकता। हम उन्होंने हर एक सेक्शन के हर टॉपिक पर खुली फोकस किया हुआ है, लाइक सब्जेक्ट वेयर एग्रीमेंट हो गया, चाहे आपका कुछ भी हो गया, कोर्स सिलेक्शन हो गया, 50 क्वेश्चन डिस्कशन, ये सब तो काफी कुछ किया गया। अगर आपको देखना हो तो आप डिटेल्स मुझे पिंग कर सकते हो, अभी भी टाइम है गैस, अभी भी कोई अगर एनमैट देना चाहता है और अपने 15 से 20 दिसंबर तक वो कर सकता है, तो उसका निकल जाएगा। और गैस ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे लेट आप दोगे एनमैट तो आपका नहीं आएगा, लास्ट ईयर बंदे ने फेब में दिया था जब एक्सटेंड हुआ था, तब भी बंदे का 241 नंबर आया था, तो अडेप्टिव मॉक हो गया जीमैट की, तो कुछ नहीं होता ये, ठीक है। अगर आपको देना ही है तो एंड में दो, मतलब 15-20 दिसंबर तक दे दो, तब भी आपका नंबर आ जाएगा पढ़ ही गए, ठीक है। चलो गैस यू कैन पिंग मी एट दिस नंबर, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये कॉल कर सकते हो। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।